मेरा आर्ट में इंटरेस्ट था बचपन से, लेकिन मैंने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स का दिया, फिर उसके बाद मैंने कैलीग्राफी ज्वाइन किया ऐसे ही, मतलब। फिर जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे लगा मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मतलब बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम लगा सीखने में कैलीग्राफी को। जो मैंने मतलब एक दो महीने में सीखा, कई बच्चों को तो वो सालों में लग जाते सीखने में। तो मुझे लगा मुझे इसमें जाना चाहिए ताकि मैं इसी में बेस्ट दे सकूँ अपना, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट हो अपना तो हम उसी में अपना बेस्ट दे सकते हैं। सर मैं पेंटिंग भी करती हूँ ज़्यादातर, लेकिन कैलीग्राफी ये मॉडर्न कैलीग्राफी का फॉन्ट है, ये मैंने एक्चुअली यूट्यूब से सीखा है ये कैलीग्राफी, क्योंकि मैंने अपनी स्टडीज छोड़ के आर्ट को चुना है। तो मैं आगे जाना चाहती हूँ इसी में, ताकि मैं अपना फ्यूचर इसी में बना सकूँ। मैंने अपनी स्टडीज़ को छोड़ के अपना पैशन चुना, क्योंकि मैं इसमें अपना बेस्ट दे सकती हूँ। तो जो बच्चों का पैशन है, जिस उनको लगता है वो इसमें आगे जा सकते हैं, वो उनको पैशन अपना फॉलो करना चाहिए ताकि हम वो उसी में बेस्ट दे सकें। और अगर इस आर्ट की बात करें, ये तो बचपन से हर किसी बच्चे में होता है, बट फिर इसको आगे ले जाना ये बहुत ही कम बच्चे करते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स करते हैं। तो मैंने भी ये चूज़ किया, अब मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। और मेरी जर्नी 2013 में स्टार्ट हुई, और बेसिकली मेरी जो स्कूलिंग है वो ये आर्मी गुडविल स्कूल माजबुक सोपोर से, और फिर 10+12th का मैंने फिर वहीं लोकल हमारी हायर सेकेंडरी है HSS दोआबगा, तो वहाँ पे मैंने क्लियर किया, और वहाँ पे भी मुझे अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिला। और तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप एग्ज़िबिशन किया करें, तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए, एग्ज़िबिशन में पार्ट लिया करें और अपना नाम रोशन किया करें। और ये मैंने तब बनाई थी जब कश्मीर में काफ़ी सारा केसेस आते थे सुसाइड के, तब मैंने अपनी ये सीरीज़ बनाई। और इंशाल्लाह इसका और एक पार्ट है, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी से बनाऊँगा।